शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारत में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ से कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्रश्न पर बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा। भगवान बोले कि हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी हिमालय पर्वत पर तपस्या की थी, 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही, माघ मास में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह करके बैठ रहती, और वैशाख के दोपहर में पंचाग्नि ताती थी, श्रावण के महीने में जब तू बाहर बैठ रहती थी, तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके बड़े दुखी हुए, वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। मुनिषे नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देख करके गिरि ने अर्घपाद स्नान दे करके उनकी पूजा की और कहा, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे प्रभुराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुन करके मुनिराज नारद आकाश में भिन्न हो गए। वे पीतांबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। तब पिता की बात सुन करके तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़ करके तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह से विलाप करते हुए देख करके सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची, उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हनुमान मूर्छित हो गए। भगवान को मूर्छित देखकर सारे लोग दौड़े और उनके मूर्छा का कारण पूछने लगे। इसके बाद हनुमान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती इस जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणी तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत बजाते से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन जगमगा उठा। इस समय तत्काल उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ तुम सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँच करके मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मेरे पति बने। धातु कहकर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ गए। चारों दिशाओं से तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो गए थे। थोड़ी दूर पर उन्होंने दो कन्याओं को देखा। देखते ही उन्होंने तुमको दौड़ करके सीना से लगा लिया और फिर पूछने लगे, पुत्री तुम सिंह आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ गए। पार्वती ने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ आ गई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तब से तुमने मेरा आधा आसन पाया है।
और फिर इस व्रत का नाम हरितालिका इसलिए हुआ कि सखियाँ तुमको हर के ले गई। और इसने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं, इसका क्या फल है और यह व्रत कौन करे। शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे और शिव तथा पार्वती भगवती पार्वती से विनती करे कि हे सिंह वाहिनी, मुझे संसार के भय सहित मुझ दिन की रक्षा करें। मैंने सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग दें, मुझे प्रसन्न हुए किसी तरह शिव तथा पार्वती की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को गौ पशु सुवर्ण आदि देवें, इस तरह एक चित होकर किसी को दोनों एक साथ पूजन करें। फिर बता जो संकल्प करें, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे सात दंडों सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री त्रिता जी का व्रत न कर अन्न खाती है वह सात जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सात दरिद्री पुत्र शोक से शोकाग्र स्वभाव की स्त्री सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में नरक में जाती है। तीज के दिन मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियाँ, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह शिव के समान पति पाती है। जब मरने लगती है तो पार्वती के समान उसका रूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के संसार की भोग और से मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 सुमेघ और सैकड़ों पापों से जप करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया, जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, जय जय श्री सीताराम।